नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। हमारे साथ आज वेल एजुकेटेड टीचर जुड़े हैं, परमजीत जी। उनसे जानते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है डेरा सच्चा सौदा को लेकर, वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह चिंसा को लेकर। परमजीत जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। परमजीत जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा को जानते हो? हमें काफ़ी टाइम हो गया है। मैरिज के बाद ही हमने एक साल बाद ये नाम ले लिया था। हमारे हो गए 15 ईयर्स। विजिट कितनी बार किया होगा आपने? बहुत बार, ऑलमोस्ट ही जाते हैं हम, अभी भी जाते हैं। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो वहाँ पर? देखो, जब से हमने स्टार्ट किया तब से हमने तो वहाँ पे ना तो कुछ गलत सुना है ना कभी गलत देखा है। अभी जो लोग बोल रहे हैं उनका तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि हमने कभी अपने कानों से या अपने आँखों से कभी कुछ गलत होते नहीं देखा। कभी भी आपको महसूस हुआ? कभी कुछ गलत महसूस नहीं। जो मीडिया में दिखाया जा रहा था, आपको पर्सनली क्या लगता है उन सब के बारे में? देखो, मीडिया अभी उनका तो कुछ कह नहीं सकते, जो भी वो तो कुछ भी कुछ बोलते रहते हैं, पर हमने कभी ऐसा कुछ गलत महसूस नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि पहले हमने शादी से पहले कभी हमने सुना भी नहीं था कि कुछ मतलब ये ऐसे आया है संस्था ना। तो शादी के बाद सब जब से हमने स्टार्ट किया है तब से वहाँ पे सब अच्छा ही, देखो नशा छोड़ रहे हैं बच्चे, है ना, अच्छी मतलब सारी जगह पे सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो गलत तो हमने कभी नहीं कुछ देखा। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है गुरु जी का? ये बच्चों को देखो अच्छे रास्ते पे डाल रहे हैं। वो मूवीज़ बनाई है उन्होंने, बच्चे देखो गलत मूवीज़ देखते थे तो अब उन्होंने ये उन्होंने अच्छी मूवीज़ बनाई, उनमें कुछ उन्होंने सीखा बच्चों ने। तो नशा हो गया, बाकी शादियां करवा रहे हैं जैसे वो, है ना, विश्वा वगैरह की, ये सब वो अच्छे काम है, बहुत अच्छा कुछ दिया। आजकल हम देखते हैं छोटी छोटी बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसी क्यों, आपको क्या लगता है सोसाइटी में ऐसी सोच क्यों होती जा रही है, मतलब आजकल यूथ इधर क्यों जा रहा है ऐसे? एक्चुअली जो किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ रहे हैं ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सच्चा सौदा ही जा कुछ, किसी भी धर्म के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो उनका दिमाग लगा लो कि है ही नहीं है कुछ उनमें, तो वो उन्होंने जो गलत ही करना है हमेशा। गुरु जी ने बेटियों को आगे लेके जाने के लिए कोई रोल अदा किया है सोसाइटी? गुरु जी ने देखो सबसे पहले तो कितनी बेटियां गोद ली है ना, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, और उनके लिए ज़्यादा वो बेटियों के लिए ही कर रहे हैं जितना भी उन्होंने किया है ज़्यादा। क्या सोसाइटी को नीड है उनकी? बिल्कुल। इम्पैक्ट कुछ लगता है आपको आया है 3-4 सालों से सोसाइटी के ऊपर? देखो फ़र्क तो पड़ता है ना, कभी जब हमें अच्छी चीज़ें कहीं से मिल रही है तो वो भी हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही, वो हमें चाहे वहाँ से बैठ के कुछ भी भेज भी रहे हैं हमें सब कुछ है, बट कभी हमने मंथ में एक बार जाना होता है सुनना है उनका, है ना, तो वो नहीं मिल रहा तो पीछे तो जा ही रहे हैं ना लोग। संत जी अगर सोसाइटी में वापस आ जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी के ऊपर? देखो अच्छे लोगों के साथ तो अच्छे लोगों ने अच्छा ही देना है, अगर वो आएंगे तो जितना अच्छा उन्होंने दिया है तो उन्होंने उससे भी अच्छा ही देंगे और देंगे। क्या अपील करना चाहोगे गवर्नमेंट से? बस बाबा जी आ जाएं जल्दी से जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपको पब्लिक की सीधी बातचीत दिखा रहे हैं, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम।